गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न 12 बायोकेमिक मेडिसिन, जिनको टिश्यू रेमेडी भी कहते हैं, बायोकेमिक सॉल्ट भी कहते हैं। सूजलर साइंटिस्ट थे, इन मेडिसिन की खोज सूजलर ने की थी। ये 12 होती हैं, 12 बायोकेमिक मेडिसिन होती हैं, इनकी खोज सूजलर ने की थी, इसलिए इनको 12 सूजलर रेमेडी भी कहते हैं। ये 12 बायोकेमिक जो मेडिसिन है वो कुछ कैल्केरिया ग्रुप की हैं, कुछ नेट्रम ग्रुप की हैं, कुछ काली ग्रुप की हैं। इस हिसाब से पूरा टोटल 12 मेडिसिन होती हैं। एक्चुअली इनका जो वर्क करने का बॉडी में सिस्टम ये होता है कि होम्योपैथी एक्चुअली डायनेमिक एक्शन करती है, बायोकेमिक मेडिसिन एक्चुअली डेफिशिएंसी सिस्टम पर वर्क करती हैं। डायरेक्ट किसी बायोकेमिक सॉल्ट की यदि कमी होती है और उस बायोकेमिक सॉल्ट को अपन रिप्लेस करते हैं तो वो बायोकेमिक सॉल्ट की कमी पूरी हो जाती है और बीमारी ठीक हो जाती है। बॉडी 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स की बनी हुई होती है, इसलिए ये बायोकेमिक सॉल्ट बॉडी एक्सेप्ट करती है और बहुत ही सेफ मेडिसिन होती हैं। ये 3x, 6x, 12x और 30x ट्राइचुरेशन में मिलती हैं, इससे भी ज़्यादा भी मिल सकती हैं। बाकी सामान्यतः 3x, 6x, 12x और 30x में इनका यूज करते हैं। अब चलते हैं कौन कौन सी 12 बायोकेमिक मेडिसिन हैं जिनका कि आज अध्ययन करते हैं। कैल्केरिया ग्रुप में कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया सल्फ। आप देख लीजिए, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया सल्फ। नेट्रम ग्रुप में नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस। काली ग्रुप में काली म्यूर, काली सल्फ, काली फॉस। 3-3-3 करके ये 9 हो जाती हैं। और 3 मेडिसिन मैग्नीशिया फॉस, फेरम फॉस और साइलिसिया हैं। इस प्रकार टोटल ये मेडिसिन 12 हो जाती हैं। अब इनके सिम्टम और लक्षण पढ़ते हैं। कैल्केरिया फॉस बेसिकली ये बोन का पार्ट होता है, टीथ का पार्ट होता है, इसलिए टीथिंग ट्रबल, बच्चों की टीथिंग ट्रबल में ये बहुत उपयोगी होती है। और बोन से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो कैल्केरिया फॉस 3x, 6x, 12x और 30x में आप दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर किसी भी टिश्यू जो कि हार्ड हो गया है उसको सॉफ्ट बनाती है। बॉडी का कोई भी पार्ट यदि हार्ड है उसको सॉफ्ट बनाना है तो आप कैल्केरिया फ्लोर 3x, 6x, 12x, 30x में दे सकते हैं। वेरिकोज वेन हार्ड हो जाती हैं, आपको किसी भी जैसे पाइल्स में जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो भी हार्ड हो जाती हैं, उनको भी सॉफ्ट बनाती है। कोई गठान है, ट्यूमर है, उसको भी घोलना है तो कैल्केरिया फ्लोर मेडिसिन आप दे सकते हैं। कैल्केरिया सल्फ, कैल्केरिया सल्फ बेसिकली स्किन डिसीज में उपयोग करते हैं और भी कई जगह उपयोग कर सकते हैं। नेट्रम ग्रुप में नेट्रम म्यूर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम का मीन्स होता है सोडियम और म्यूर का मतलब होता है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये खाने का नमक होता है, इसका उपयोग जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन से अफेक्टेड कोई बीमारी होती है जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी और भी कई जो म्यूकस मेम्ब्रेन से अफेक्टेड बीमारी हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर काम करती है। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ बरसाती मौसम में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है, और अस्थमा है, दमा है, खांसी है, उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम फॉस, नेट्रम फॉस जो भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी, इनडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 3x, 6x, 12x, 30x में आप दे सकते हैं। काली ग्रुप में काली म्यूर, काली का मतलब होता है पोटेशियम और म्यूर का मतलब होता है क्लोराइड। यह भी म्यूकस मेम्ब्रेन से अफेक्टेड छाले, सर्दी, जुकाम आदि में इसका उपयोग करते हैं। काली सल्फ, काली सल्फ का यूज बेसिकली सर्दी खांसी में करते हैं, स्किन डिसीज में भी इसका यूज करते हैं। काली फॉस, काली फॉस चूंकि नर्व का पार्ट होता है इसलिए मांसपेशियों की दर्द है
मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और मेमोरी से रिलेटेड नींद कम आना, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अब है आपका मेकफॉस। होम्योपैथी में मेकफॉस एक पेन की बहुत अच्छी दवाई है। बायोकेमिक मेडिसिन मेकफॉस भी पेन और दर्द के लिए, मांसपेशियों का दर्द, बोन के दर्द के लिए आप एक प्रकार से इसको पेन किलर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसको ये सेफ ड्रग है, सेफ बायोकेमिक मेडिसिन है। फेरमफॉस चूंकि ये आयरन का पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है, इसमें आयरन होता है, तो आयरन के लिए, एनीमिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये भी 3x, 6x, 12x, 30x में उपलब्ध है। साइलिसिया रेत को कहते हैं। रेत जो भी हार्ड पार्ट है बॉडी के, जैसे बोन्स हैं, नेल्स की जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें भी उपयोग करते हैं, चर्म रोगों में भी इसका उपयोग करते हैं, सर्दी खांसी और भी कई प्रॉब्लम्स में, स्किन डिसीज में, बॉयल्स हैं में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो आज आपने सीखा कि बायोकेमिक मेडिसिन कितनी होती हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, और ये चूंकि डेफिशिएंसी सिस्टम पे वर्क करती हैं, ये बॉडी इन ये बायोकेमिक सॉल्ट से ही बनी हुई है आपकी और हमारी, तो ये नुकसान भी नहीं करती और बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। नेक्स्ट लेसन में ये मेडिसिंस को कॉम्बिनेशन बना दिए गए हैं, 28 कॉम्बिनेशन हैं, तो नेक्स्ट लेसन में आप ये 28 कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा। अभी इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।